हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दिवंगत शाहिद अली खान की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टारजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। शहर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के समीप वली अहमद खान की अध्यक्षता में पूर्व मंत्री बिहार सरकार के कद्दावर नेता मरहूम शाहिद अली खान साहब की 5वीं पुण्यतिथि पर उनकी पुत्री डॉक्टर इकरा अली खान द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल का वितरण किया गया। बताते चले कि इस कपाती ठंड में लगभग सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिससे उनके रूह को सवाबे नारायण हासिल हो। मौके पर मौजूद सभी ने मरहूम शाहिद अली खान की मगफिरत एवं जन्नत में आला से आला मुकाम की दुआ की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वली अहमद खान ने उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। कहा कि शाहिद अली खान विकास पुरुष थे, शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज उनकी देन है। वहीं अशरफ अली मुन्ना ने कहा, वह शोषित एवं गरीबों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उनकी याद एवं सम्मान पूरे बिहार के सभी वर्ग एवं समुदाय के दिलों में आज भी मौजूद है। मौके पर पूर्व मुखिया रामचरण पांडे, सफीर अख्तर निराले, सफी अहमद उर्फ काले खान, जाकिर अंसारी, इसरार अहमद खान, गुलजार अहमद खान समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। आज 4 जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री और हम लोग के अभिभावक राजनीति गुरु मरहूम जनाब शाहिद अली खान साहब की 5वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने कंबल वितरण का आयोजन किया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों को, गरीब लोगों को हम लोगों ने अभी कंबल वितरण किया है। और सब लोगों ने मिलकर दुआ मांगी है कि मरहूम जनाब शाहिद अली खान साहब को अल्लाह ताला करबर करबर जन्नत अदा फरमाए। जनाब शाहिद अली खान ऐसी शख्सियत थे जिनको सिर्फ कुपरी ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे बिहार के वकीयतों की अफसान थे। अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो बहुत दिनों तक हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन जितने दिन ही रहे कुपरी का वो नेता नहीं, एक बेटा बन के उन्होंने खिदमत किया। आज उनके जाने का दर्द हर आदमी के दिल में है। उनके मगफिरत के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हम लोगों ने अल्लाह से दुआ किया है, भगवान के ईश्वर से कामना किया है कि वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे, अल्लाह उनको जन्नत में स्वर्ग में स्थान दे। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोगों ने सब पूर्व मुखिया रामचंद्र पांडे, जमालुद्दीन दानिश आपकी उत्तरी के मुखिया हैं, वली अहमद खान साहब हैं, जाकिर अंसारी हुए, देवीलाल जी गाढ़ा हुए, निराले भाई, ये सब लोग संयुक्त रूप से कंबल वितरण का आयोजन किया कि गरीबों के बीच इस कड़कड़ाती ठंड में कंबल वितरण होगा, उसकी दुआ मरहूम को लगेगी और उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला से आला मुकाम दर्जात मुहैया कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज कंबल वितरण का आयोजन किया है, बांटा है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को, लगभग सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया है और आने वाले समय में हम लोग वक्तन कुवक्तन उनके नाम पर कुछ न कुछ किया करते हैं। दिखावा का मकसद नहीं रहता है, गरीबों की मकसद है कि गरीबों का सेवा उनके नाम पर, कि लोगों को ताउन करें, कि गरीबों का आवाम का भला हो। आज भी वो मरने के बाद भी वो लगभग हम समझते हैं कि लाखों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि लोगों के दिल से वो भुलाए नहीं, भूलते हैं। अल्लाह से बार बार दुआ करते कि अल्लाह ताला उनको जहां भी रखा हो अच्छा रखा हो, उनकी मगफिरत फरमाए अल्लाह। ये दुआ दिल से निकलती रहती है। वो नेता नहीं, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में इस पुत्री के सजमीन से वो दुनिया से रुख सकते हुए। उनके नाम पर जहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस के आस पास में चौक का भी नामकरण किया गया था, शाहिद अली खान चौक जी, उसका कुछ नामो निशान नहीं देखा? देखिए, उसमें आपका कहना सही है, जब मरहूम दुनिया से चले गए तो हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया कि रजिस्ट्री ऑफिस चौक का नाम हम लोग शाहिद अली खान चौक रखे। हम लोगों ने वो शिलापट भी लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश नगर पंचायत उस समय था
और उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष हो या कार्यपालक पदाधिकारी का सहयोग नहीं मिल सका, एक प्रस्ताव नहीं जा सका नगर विकास विभाग को, जिस कारण से वो मामला शिथिल पड़ गया। लेकिन पुनः नगर परिषद का भी नया गठन हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे कि नगर परिषद से एक प्रस्ताव पारित किया जाए, नगर विकास विभाग पटना को भेजा जाए और इस चौक का नाम शहीद मरहूम शहीद अली खान के नाम से नामकरण किया जाए। इसकी मुहिम हम लोग चलाएंगे, ये हम लोग का इरादा है। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पुपली बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।